नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के एक ऐसे गंभीर मामले की, जिसमें एक महिला ने अपना बलात्कार होने से पहले कैसे कर दिया बलात्कारी की तुड़ाई, और घटना से पहले पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई। बता दें कि यह हाई प्रोफाइल मामला किसी सामान्य महिला का नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेत्री चर्चित मॉडल रोशनी कुशल जायसवाल से जुड़ा है। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बलात्कार के पीछे क्या है पूरा मामला। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल का आरोप है कि उनके फेसबुक पोस्ट पर पांडेपुर के रहने वाले राजेश सिंह ने कई आपत्तिजनक कमेंट वर्ष 2021 से लेकर 2023 के बीच करते रहे, लेकिन इधर राजेश ने उनके फेसबुक पेज पर बलात्कार करने और प्रेग्नेंट करने जैसा भद्दा मजाक कर दिया। बस मामला यहीं से तूल पकड़ लिया। इस गंभीर कमेंट के बाद कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल अपने दर्जनों समर्थकों के साथ फेसबुक पर कमेंट करने वाले राजेश सिंह के घर पहुंच गईं और उनके घर के बाहर से फेसबुक लाइव होकर खूब खरी खोटी सुनाई, और फिर कमेंट करने वाले राजेश सिंह को घर से बाहर खींचकर उनकी जमकर तोड़ाई किया। अचानक हुई पिटाई का बीच बचाव करने आई राजेश की पत्नी को भी चोट लगी है। खबर है कि कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल के फेसबुक इंस्टाग्राम पर विगत 3 साल से सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी करती रहीं। उनकी फेसबुक पोस्ट पर पांडेपुर के रहने वाले राजेश सिंह ने कई कमेंट किए। इन्हीं कमेंट में से राजेश पर बलात्कार करने और प्रेग्नेंट करने का आरोप है, जो मारपीट में बदल गया। सबसे पहले देखिए कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पांडेपुर स्थित राजेश सिंह के घर पर चढ़कर कैसे कर रही हैं कुटाई, और इसके बाद यह भी देखिए कि अपना कथित बलात्कार होने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा करके बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही हैं कांग्रेस नेत्री। भैया कोई फोन पर बुलावा यार, कौन वो भैया फोन किए थे? हाँ ठीक ठीक बलात्कारी राजेश सिंह अपने आप को अंदर लिखने की हिम्मत है? रुको रुको, पुलिस बुलाओ, बिना पुलिस को नहीं आने का है, पुलिस आ रही है ना? अरे ठीक है, वो सब छोड़िए अभी। इसी तरह सब चलिए ना, बुलाइए 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 भैया, आने दीजिए ना भैया, भैया अपने नंबर करिए ना फोन, आप करो ना मेरे फोन से, ये लाइव चल रहा है। पिछले 4 साल से सैफरन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति
मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने DM और कमिश्नर सर के खिलाफ उसके ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को घर स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए, मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकले। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को जरूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ बहन बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियाँ फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलात्कार करने की धमकी दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका नाम और उसका पता क्या है, चुप मत बैठिए। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज़ उठा रही हूँ जो इन जैसे बलात्कारियों के चपेट में आ जाती हैं। मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, कुछ भी कुछ लिख रहे थे शॉर्ट फॉर्म में, रोकूजा लिख रहे थे। मैंने कहा कि कुत्ता है, भौंक रहा है। ये कम से कम 250 पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो को सही में फॉलो करती रोशनी कुशल जायसवाल, ये सैफरॉन राजेश सिंह की आईडी है। फिर इसमें लिखा है कि आखिर माल हो हमार, तहु के दिलवा देव, अब बात खत्म करा, फिर से प्रेग्नेंट करे के होई तब जाके रोशनी कुशल जायसवाल। योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है, इन जैसे घर पे कब बुलडोजर चलेगा? और सैफरॉन राजेश सिंह नहीं, इसका नाम होगा आज से बलात्कारी राजेश सिंह। इसके घर में, इसके मोहल्ले में ये सारे फोटो स्टेट मैंने हर घर में बांट के आए हैं कि आपके मोहल्ले में रहता है ये बलात्कारी सैफरॉन राजेश सिंह, जो दूसरे की, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे पति का खून खोलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलात्कार करने की धमकी आएगी? RSS का है, अपने आप को RSS का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ ना मुझे उनको जानना है। BHU में भी भाजपा के लोग, 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, हर जहाँ पे बलात्कार की बात होती है वहाँ भाजपा और RSS के लोग ही शामिल होते हैं। मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं हर महिला के लिए आवाज उठा रही हूँ और ऐसे बलात्कारियों से बचे वो। ये जो लिख सकता है, इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलात्कार अभी किया नहीं है, उसने लिखा है, आप उसको बलात्कार ही मत बोलिए, उसने सिर्फ लिखा है। तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए, वो करने में चुकेगा क्या? मुझे अकेला पाके कहीं पे भी, मैं हर वक्त अपने बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती हूँ, हर वक्त मैं अपनी चाची मामी के साथ नहीं घूमती हूँ, मुझे अकेले निकलना पड़ता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, मैं उस समय 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं निकलती हूँ। तो मेरे साथ कल कुछ हो जाएगा तो ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के खिलाफ उसके दोस्त आएंगे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्टर, उनकी बीवी भी कह रही है लिख दिया तो क्या हो गया? अरे मैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो भोगते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख के, लेकिन जब सामने मेरा पूरा नाम लिख के बलात्कार करने की जब धमकी थी, इसके पहले 2 साल पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी आई थी, मैंने कंप्लेन की थी, मुझे इंसाफ मिला था, तो आज एक बार फिर से बलात्कार करने की धमकी आई है। मैं कभी भी अकेले पाके मैं किसी ऐसे बलात्कारी का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैंने थाना की कार्यवाही करना ज्यादा सही है। क्या बोले लोगों? उन्होंने बोला है कि साइबर क्राइम है, ये साइबर पे उन्होंने लिखा है और आगे कार्यवाही होगी। मैं योगी मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे बलात्कारी राजेश सिंह के घर के ऊपर। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मारपीट के बाद कांग्रेस नेत्री ने पुलिस को बुलाया, पुलिस दोनों पक्षों को लालपुर थाने ले आई। वहीं दूसरी ओर राजेश सिंह की पत्नी अन्नू सिंह ने
लालपुर पुलिस को शिकायत किया है कि कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशन जायसवाल अपने पति और 20 अज्ञात लोगों के साथ सुबह उनके घर में घुसे और सभी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। विरोध करने पर सभी ने उनके घर में तोड़फोड़ किया, साथ ही सोने की चेन और घर में रखे 20,000 रुपये लूट लिए। उन्हें, उनके पति और बच्चों को काफ़ी चोटें आई हैं। अब देखना है इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की पड़ताल में कांग्रेस नेत्री के साथ सोशल मीडिया पर बलात्कार का ऐलान करने वाले आरएसएस के राजेश सिंह का असली सच क्या है, इसके लिए बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर